और अब आपको कानपुर से बड़ी खबर बताते हैं। जीका के केसेस कानपुर में लगातार बढ़ रहे हैं, ये संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है और इन बढ़ते केसेस को देखते हुए सीएम योगी भी पूरी तरह से सख्त हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शहर में जीका का कहर जारी है, 16 नए मामले सामने आए हैं जीका के और इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 105 तक पहुंच गया है। कल सीएम योगी जीका को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। जीका प्रभावित इलाकों में पीड़ित परिवार से भी सीएम योगी कल मुलाकात करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त। लगातार जीका के केसेस कानपुर के अंदर बढ़ रहे हैं और हालांकि कई जगह टीमें तैनात भी की गई है, क्योंकि कानपुर से लगातार जीका के केसेस सामने आ रहे हैं। जो फर्स्ट केस जीका का सामने आया था वो 23 अक्टूबर को सामने आया था। एक एयर फोर्स कर्मी संक्रमित पाए गए थे जीका से और उसके बाद अब ये जो संख्या है जीका के केसेस की वो लगातार बढ़ती हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सतर्कता बरत रही हैं, सैंपलिंग लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जीका का संक्रमण बढ़ता हुआ कानपुर के अंदर। और अब आपको लखनऊ से भी बड़ी खबर हम बता रहे हैं। एसजीपीजीआई में भी जल्द शुरू होगी जीका वायरस की जांच। आईसीएमआर और एनबीआरआई से पीजीआई के डॉक्टर्स की बातचीत चल रही है। पीजीआई को आईसीएमआर जल्द मुहैया कराएगा जांच किट। यूपी सरकार के निर्देश के बाद संस्थान में जांच शुरू होगी। अभी तक सिर्फ केजीएमयू में ही जीका वायरस की जांच हो रही है, लेकिन अभी बड़ी खबर ये है कि अब जीका वायरस की जांच एसजीपीजीआई में भी जल्द ही शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर पीजीआई के डॉक्टर से आईसीएमआर और एनबीआरआई की बातचीत चल रही है। पीजीआई को आईसीएमआर जांच के जल्द ही मुहैया कराएगा। यूपी सरकार के निर्देश के बाद संस्थान में जांच शुरू होगी। ये जीका को लेकर अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एसजीपीजीआई में भी जीका वायरस की जांच जल्द शुरू हो जाएगी, इसको लेकर पीजीआई के डॉक्टर से बातचीत चल रही है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम तिवारी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हम रुख करते हैं इस वक्त श्याम तिवारी का। श्याम, कानपुर की मैं बात करूं तो लगातार जीका के जो केसेस हैं कानपुर से वो श्याम लगातार सामने आ रहे हैं। अभी जो ये आंकड़ा है श्याम वो 100 के पार पहुंच चुका है, 105 तक जीका के केसेस पहुंच गए हैं। श्याम, अभी क्या वहां से अपडेट है? जीका के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 16 नए मामले सामने आने के बाद से एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि 24 घंटे ऐसे रहे जिसमें एक भी मामला सामने नहीं आया। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं चैन की सांस ले रहा था, लेकिन ये एक साथ 16 मामला सामने आए और अब ये मामलों की संख्या बढ़कर के 105 हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो स्वास्थ्य महकमा है उसके माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो दिखने लगी है, क्योंकि लगातार क्षेत्र में सोर्स रिडक्शन का काम किया जा रहा है, यानी वो सोर्स नष्ट किए जा रहे हैं जहां पर मच्छर हो सकते हैं, जिन घरों में मच्छर हो सकते हैं वहां से जो पानी हटवाया जा रहा है, जो कूलर में भरा हुआ पानी है उसको हटवाया जा रहा है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो कहीं पर पानी जमा ना होने दें। इसके अलावा तमाम वो लोग जो लोग संक्रमित हैं उनकी भी लगातार निगरानी की जा रही है, उनको घर में आइसोलेशन, यानी कि ये वो तमाम कदम जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए। लेकिन शाम कल सीएम योगी भी कानपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो कई परिवारों से मुलाकात भी करने वाले हैं, जीका को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है शाम? बिल्कुल, सीएम जो जीका वायरस है उसको लेकर के काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कल मेट्रो का ट्रायल रन करने के बाद वो पहले अधिकारियों के साथ जीका के मसले पर बैठक करेंगे केडीए में, और इसके बाद जो श्याम नगर पोखरपुरवा का जो इलाका है वहां पर जाकर के ग्राउंड हकीकत जानने का प्रयास करेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनसे खुद बात करेंगे कि आखिर जीका वायरस किस तरीके से वहां पर फैला है। ठीक है श्याम, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो श्याम इस वक्त बता रहे थे हमें। और इसी बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी मयूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, जीका की केसेस जिस तरह से कानपुर में लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसी कड़ी में अभी अगर हम बात करें तो सीएम योगी पूरी तरह से सख्त है इन बढ़ते केसेस को लेकर, लेकिन ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है इसको परखना भी जरूरी है। इसको देखते हुए कल सीएम समीक्षा बैठक करने वाले हैं, क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जीका वायरस का कहर पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, खासतौर पर अगर हम कानपुर की बात करें तो वहां इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा चिंतित भी हैं कि 105 केसेस जीका वायरस के
कानपुर में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कल जब वो जाएंगे मेट्रो का वहां पर उद्घाटन करने, तो वहां पर वो समीक्षा बैठक जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक जीका वायरस को लेकर जरूर करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देंगे कि आगे ये बीमारी और न बढ़ सके, इसको लेकर जो भी बंदोबस्त करना है, इंतजाम करना है, उसको लेकर सरकार पूरी मदद करेगी और इसको यहीं पर रोक दिया जाए, यही कवायद रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव इस वक्त हुआ है, तो उसको लेकर जो मच्छरों के जो भी मच्छरों से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसका प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है, कोरोना वायरस है, डेंगू है और अब जीका है, तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है, साफ सफाई रखने की जरूरत है। और जो आप कह रहे हैं प्रशासन है वो लगातार स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन आम जनता की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मयूर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।